नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आजाद। आज आप लोगों के सामने एक बचत सेविंग इसको लेकर एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़्यादा करना, जिससे कि मेरी जो बात है आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। और अगर शायद इस बात पर अमल करें तो हमारे ये जीवन में ये जो छोटी सी बात है वो है आगे चल के बहुत अच्छी हमारे काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं आज छोटी सी जो टॉपिक है सेविंग। दोस्तों आपको पता है कि हम लोग एक मिडिल फैमिली, मिडिल क्लास के लोग का जो इनकम है एक बधा इनकम होता है। और खर्चे तो आपको पता है कि खर्चे इतने सारे होते हैं कि आदमी इतना एक बचत प्रॉपर नहीं कर पाता है, थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है। फिर हमारी जो पीढ़ी आती है, आने वाली पीढ़ी जो है वो भी हमारी तरह से ऐसे अपना जीवन काट के एक फिक्स इनकम, या जैसे किसी की सरकारी जॉब होती है तो अपना एक फिक्स इनकम होता है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में तो वो भी अपना एक फिक्स इनकम होता है। फिर उसके बाद जो उनके खर्चे होते हैं ये वो, और सबसे ज़्यादा एक देखा जाए तो गरीब तबके का बंदा जो है वो अपनी गरीबी में ही जीता है और गरीबी में ही मर जाता है। अगर इससे निजात पाना है, करना कुछ नहीं है, हमको थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने जो खर्चे हैं उनको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जो भी हमारी इनकम है, चाहे वो 5,000 महीने की हो, 10,000 महीने की हो, 20,000 महीने की हो, ज़्यादा नहीं, केवल 10%। अगर हम अपने इनकम का जो 10% है उसे हम अपना पूर्ण ईमानदारी के साथ डिपॉजिट करें तो वो जो 10% है आपका पैसा आपकी आने वाली पीढ़ी को कितना मजबूत करेगा ये आप सोच ही सकते हैं। आप तो सोचो 10% यार, 5,000 का 10% 500 रुपये होता है, 10,000 का 1,000 रुपये होता है, क्या होगा इससे। लेकिन ये दोस्तों, ये जो 10% है ना, सपोज दैट आज मेरा बच्चा 1 साल का है, वो मेरी घर की स्थिति ऐसी है, अपना चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, काम कोई अपना कमाला है, खाला है, सोगी है, खली है, सब कुछ। तो अगर वो 10% मैंने आज 2022 में मैंने क्या किया कि मैंने 10% से मुझे 10,000 में मेरी इनकम है, और 10,000 इनकम मेरी हर महीने होती है, तो अगर उसमें से मैं मात्र 1,000 रुपये अपने उस बच्चे की शिक्षा के लिए, या जब वो बड़ा हो तो उसके लिए कोई बिजनेस, शादी, लड़की है तो शादी, बहुत सारी होती हैं, कहीं से कर्जा लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड, उसमें अपनी SIP करें। SIP में जो कंपाउंडिंग जो इंटरेस्ट मिलता है ना दोस्तों, हम लोग समझ नहीं पाते कि कंपाउंडिंग का जादू क्या होता है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंपाउंडिंग का जो मज़ा है ना, वो आफ्टर 5 ईयर के बाद निकल के आता है। आप सोच नहीं सकते कि ये क्या हो गया। अगर हमने 1,000 रुपये महीने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी एक SIP डाली, या मान लो कोई 5,000 रुपये कमा रहा है तो 500 रुपये की, मतलब कम से कम 500 रुपये की एक SIP डाली, तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करेंगे 20 साल बाद वो आपको इतना पैसा होगा कि आप अपने बच्चे के लिए, बच्चे भविष्य के लिए, लड़की है तो उसकी शादी के लिए, किसी से आपको 1 रुपये कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी शादी कर सकते हैं, बच्चे के लिए कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। ये देखना है तो आप SIP कैलकुलेटर में जाएं, आप वहाँ डालें अपना कि 500 रुपये मैंने महीने में जमा किए, और 20 साल बाद ज़्यादा नहीं 12% का इंटरेस्ट मिलता है मेरे को, तो कितना मिलता है, अब चौंक जाएंगे।
मेरा कहने का मतलब ये है कि बस अगर आपको अपने आने वाली पीढ़ी को मजबूत करना है, अपने ऐसी जो आज की स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति में मेरा बच्चा ना देखे ना तब इसी परेशानी से गुजरे, तो आज से ही अपने बच्चों के लिए 10% जमा करना शुरू कर दें, खर्चे पर कंट्रोल कर लें बिल्कुल। अगर इस परेशानी गरीबी से अगर आपको बच्चे को दूर रखना है तो बस मेरा ये आपसे ये कहना है कि एक छोटी सी बचत अपने बच्चों के लिए किसी भी अच्छे से म्यूचुअल फंड में एक SIP स्टार्ट करें, चाहे 500 रुपये की या 1000 रुपये की, और उसका टारगेट रखें लगभग 20 साल, फिर देखिए कमाल। इस वीडियो को आप याद रखेंगे। थैंक यू।